नमस्ते सश्रीकाल आदाब, आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ब्लॉग मीन्स इट्स नॉट अ ब्लॉग एक्चुअली, समथिंग डिफरेंट। मतलब इससे टर्म करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं मिल रहा है, शब्द पर मेरे वोकैबुलरी में मुझे नहीं मिल रहा है। सो आज का ब्लॉग है, मतलब मैं कंस्ट्रक्शन साइट में गई थी। मेरा पहली बार है कंस्ट्रक्शन साइट में जाना, जो एक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन साइट है। सो मैं गई थी जो वीर लासित बोरफुकन का जो स्टैचू बन रहा है जोरहाट में, वहाँ में गई थी। एंड इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन असम एंड इन इंडिया ऑफ वीर लासित बोरफुकन। और ये जो स्टैचू जो लोग बना रहे हैं ना, दिस इज़ द सेम कंपनी दैट मेड द सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू इन गुजरात। सो वहाँ जाने के साथ साथ आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे किसी से मिलने के लिए नहीं मिलेगा, पर बाय गॉड्स ग्रेस मिला मुझे। मतलब आई गॉट द कंटेंट पूरा मिल गया मुझे। सो वहाँ मेरी मुलाकात हुई सुमन सर से, जो वहाँ के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है। सो उन्होंने मुझे पूरा बताया कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आती है, किससे बनता है, वो सब कुछ इसी ब्लॉग में, इसी वीडियो में। तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा रश में उसलिए फंबल कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपने मन के कॉन्फ्रेंस में भी जाना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी 9:45 ऐसा कुछ बज गया, एंड 10:30 से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। सो ब्लॉग देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आई थिंक 12 फरवरी को CM सर ने बोला कि मुझे स्टैचू कम्प्लीट चाहिए, बाकी का आप काम करते रहो। CM मतलब हेमंत बिश्व शर्मा सर, आमी मरमते मामा बुली मातो, हेतु बेलेग कथा आरो। सो उन्होंने बोला 12 फरवरी नेक्स्ट ईयर 2024 को वो स्टैचू बना के दे देने के लिए, कम्प्लीशन ऑफ द स्टैचू। बाकी आसपास का जो भी चीज़ है वो आप करते रहो। सो आई थिंक आप लोग, जब आप लोग को नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप लोग आते हो प्लीज़ स्टैचू को देखिएगा। वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी होगा, गैलरीज भी होगी। सो आप लोग आइएगा, देखिएगा। एंड बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कल्चर को इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। सो आके हमारे असम का कल्चर भी देखिएगा। सो प्लीज़ गो एंड वॉच द ब्लॉग, आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं जाती हूँ, नहीं तो मुझे डांट मिलेगा मेरे ई बी से डांट मिलने से पहले मैं जाती हूँ। ओके, बाय। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि आज का जो ब्लॉग है, आने वाले 2-3 ब्लॉग्स जोरहाट सेंट्रिक होने वाले हैं, बिकॉज आई रिसेंटली विजिटेड जोरहाट। एंड मैं आपको यहीं पर जोरहाट के बारे में 2-3 फैक्ट्स बता देना चाहूँगी। आप लोग जानते हो कि मैं तब भी आपको बता देती हूँ। जोरहाट इज सिचुएटेड इन असम, जोरहाट असम में सिचुएटेड है। जोरहाट इज़ द टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड विद डैट इट ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश हिस्ट्री। ब्रिटिश हिस्ट्री के, ब्रिटिश टाइम के, ब्रिटिश एरा के जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें वो आपको जोरहाट में देखने के लिए मिल जाता है। सो आज का ब्लॉग मैं डेडिकेटेड है जो लासित मैदान के अंदर जो वीर लासित बोरफुकन जी का स्टैचू बन रहा है उसके ऊपर। सो ये जो स्टैचू है वो लासित मैदान के अंदर है, जो गिबोन से 8 किलोमीटर दूर है, गुहाए गांव बोल के एक जगह में सिचुएटेड है। आपको ये जो गेट है उसे पार करना पड़ेगा, फिर आप गुहाए गांव के अंदर जाके, गांव के अंदर है ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन है, बट कंपेरेटिवली नियर बाय है, कंपेयर टू अ सिटी नियर बाय है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट है, बट अगर आप लोग जाते हो तो आपको इतना फील नहीं होता है। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस टर्म मोइडाम। सो वट इज़ मोइडाम? मोइडाम इज़ बेसिकली इन द आहोम कम्युनिटी, इन द आहोम एरा, वेन समवन डाइड, किंग और क्वीन, उन्हें मिट्टी के अंदर दफनाया जाता था, एंड उनके साथ जितने भी चीज़ें उनके साथ रिलेटेड है वो भी दफनाई जाती थी, एंड एक समाधि बना दी जाती थी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल इन माई शिवसागर ब्लॉग। सो आज का जो ब्लॉग है वो लासित मैदान और लासित बोरफुकन जी का जो स्टैचू है उसके ऊपर डेडिकेटेड है। मैं जब गई थी मुझे गार्ड्स ने रोक लिया था, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बट फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जी मिल गए, सुमन सर मिल गए, जिन्होंने मुझे सब कुछ अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच सर, आज आपकी वजह से मैं ये ब्लॉग प्रेजेंट कर पा रही हूँ। एंड यहाँ के आगे की कहानी आपको सुमन सर खुद बताएंगे, जितने भी फैक्ट्स है कि कैसे बनता है, कौन सा स्टोन यूज़ हो रहा है, कितना ड्यूरेशन है, एवरीथिंग सुमन सर ही आपको बताएंगे। आई होप यू विल लाइक इट। ये बन रहा है नोएडा, नोएडा दिल्ली, नोएडा दिल्ली, नोएडा।
ये कितना टाइम में कंप्लीट होगा? ये जो सीएम आया था फ्राइडे को, फ्राइडे नहीं, वो, 12 तारीख हाँ जी, वो इनोग्रेट करके गए थे, उन्होंने बोला फेब्रुअरी हमको 12 तारीख को चाहिए, 12 अप्रैल को, फेब्रुअरी 12 तारीख को चाहिए, 2024 उन्होंने बोलते क्या 3 हेलीपैड चाहिए जिसमें सीएम आएगा। किससे बन रहा है वो? ब्रोंज, ब्रोंज, टोटली ब्रोंज। और इसका अंदर में जो है स्ट्रक्चर है, हाँ जी, ये आपका ये है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। कितना कॉस्ट है ये आपका? टोटल 53 करोड़। 53 करोड़ ओनली स्टैचू, ओनली स्टैचू, और बाकी और कुछ है? 120 करोड़। अभी जो सीएम ने बोला है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी 4 मंथ है, 4 मंथ में इतना हो जाएगा ना? वो लोग आप लोग ट्रांसफर कैसे करते हैं उनका पैर हाथ ये सब? ये पासपोर्ट आता है, ये देखिए ना, वो देखिए। आपका नाम क्या है सर? सुमन पासवान। आप कहाँ से हो? कलकत्ता। कलकत्ता। ये पूरा प्रोजेक्ट किसको दिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ, ये हमारा अंदर में। ये कब से शुरू हुआ था बनना? ये हुआ था मार्च अप्रैल का बीच में, मार्च अप्रैल का बीच में। उस टाइम यहाँ तो खेती था आपका धान का जो? हाँ जी 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 धान, हाँ जी धान का खेती था। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने में इनका काम हो गया। हाँ, बहुत बहुत काम हो गया, 4 महीने में तो आराम से हो ही जाएगा। हो जाएगा। कितने वर्कर्स हैं अभी? हमारा 162 है। 162 और में चला जाएगा, फिर आएगा। हाँ। सीएम बीच बीच में आते रहते हैं, मामा बीच बीच में आते रहते हैं सीएम। मामा तीन बार आया है, 15 दिसंबर, 10 जुलाई, 12 अक्टूबर। हाँ जी, वो जुलाई में अनाउंस किया था ये होगा बोल के। ये है सबका पार्ट। ब्रोंज वाला जो है ना, ये है ब्रोंज। ये ब्रोंज, ये कौन सा पार्ट है? ये इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इसको इसका साथ फिर इसका एडजस्ट होगा। तो अब जाकर उसका राउंड आएगा ना? हाँ जी, बॉडी का राउंड होता है ना, काम बहुत टफ है ना। और ये भूकंप सुकम देने से सस्टेन करेगा? सिस्मिक लोड जो है, हाँ जी, हम लोग इसको बोलते हैं सिस्मिक लोड। हाँ जी, वो इंक्लूडिंग है। कितना फीट ऊपर ऊंचा होगा? वहाँ से जाएगा 84 फीट। वहाँ से 84 फीट पेडेस्टल के टॉप पे, सबसे लंबा स्टैचू लचित बहुत ऊपर का है, वो सबसे बड़ा वर्ल्ड का, वर्ल्ड का। और वो और इंडिया, और इंडिया। और वो कौन सा पार्ट है? कौन सा वो जो बन रहा है? ये जो है, हाँ, ये जो इस तरफ देखिए थोड़ा गैप है ना, हाँ जी, ये पार्ट जैसे कुछ मिला है। ओह, तो ये आपका ग्राउंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये दो पार्ट आपको जाएगा ऊपर। हाँ जी, ये जो पार्ट अभी नीचे रखा है ना, हाँ जी, ये आपका वो जो गैप दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी, उसको क्लोज करेगा। ओके, हाँ जी, तो वहाँ वो जो हमारा अभी अभी जो हमारा टॉप लेवल है ना, हाँ जी, वो टॉप लेवल इसको मेंटेन करके एक लेवल में आ जाएगा। उसके बाद ए पार्ट उठेगा यहाँ तक। अच्छा, हाँ जी, उठवाया एंड ऊपर यहाँ तक आ गया है। हाँ, हिप तक आ गया है, कमर तक आ गया है, वो ऊपर का बाकी है। और अभी नोएडा में कितने लोग काम कर रहे हैं? 100-150 लोग ऊपर आते हैं, यही काम कर रहे हैं ना। और ये सब ब्रॉन्ज रॉन्ज का लाइक कहाँ से ला रहा, मटेरियल्स कहाँ से आते हैं? बाहर से आ रहा है, हमको इतना पता नहीं, लेकिन बाहर से आ रहा है। मटेरियल जो प्रोक्योरमेंट होता है बाहर से। इससे एम्प्लॉयमेंट तो बहुत मिल रहा है, रोजगार बहुत मिल रहा है। ये जो हम लोग इसको काम दिया ना, आपको पता है गुजरात का जो सबसे बड़ा स्टैचू बना था ना, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई, हाँ जी, उसी सेम एजेंसी है। रामछूतर, वही सबसे बड़ा एजेंसी है इंडिया का। और ये ऊपर में कुछ ऐसा है, म्यूजियम कुछ ऐसा बनेगा? ना, ये पूरा क्लैडिंग हो जाएगा, पत्थर लग जाएगा इसमें। ओके, पत्थर लग गए इधर, ये देखा था मुझे,
बारिश का टाइम में प्रॉब्लम नहीं होता? प्रॉब्लम वही मेन प्रॉब्लम वही है, बारिश। आराम से वो डोर। हाँ जी, यहाँ से टोटल स्टेप बनेगा, स्टेप स्टेप ऐसा स्टेप आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, तो जाएगा। ओ इसका अंदर स्टेयर कैसे? ओ इसके अंदर भी स्टेयर कैसे? स्टेयर कैसे? वो स्टेयर से देखो आदमी ऊपर में चले जाएगा। ओ ऊपर, हाँ, अप टू लेग। ओ अप टू लेग, अप टू लेग, अप टू लेग। उसका कोई ये नहीं है, उसके बाद नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ से पूरा, यहाँ पे पूरा मिट्टी भर जाएगा। ओके, मिट्टी भर के उसके बाद उसका कॉम्पेक्शन हो गए। यहाँ पे टोटली ग्रानाइट लगे, ग्रानाइट, ग्रानाइट, ग्रानाइट पत्थर जिसको बोलते हैं। हाँ जी, तो ग्रानाइट लग गए, फिर स्टेप बनेगा, जैसा हमारा घर में होता है ना, हम लोग का घर में। हाँ जी, स्टेप फिर थोड़ा लैंडिंग, फिर स्टेप फिर लैंडिंग करके करके वो हमारा वहाँ पे लैंड होता है। ओके, फाउंटेन नहीं है, फाउंटेन बोलते हैं। फाउंटेन भी बनेगा? नहीं, तीन फाउंटेन है, तीन फाउंटेन है। लाइट शो वाइट शो भी होगा क्या? प्रोफेशन में है, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, प्रोजेक्ट बहुत आसाम आसाम का एकदम बहुत अच्छा बात है कि ऐसे कल्चर। ये जो वॉल है ना, हाँ जी, इसमें टोटली आपका जो आप ये देखा क्या हमारा दिल्ली का राजभवन? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखा है, देखा है। दिल्ली में गया कभी? तो फोटो वोटो में देखा है। दिल्ली का वो जो राजभवन का वॉल में है, वॉल है, हाँ जी, वो जैसे पत्थर लगे। ओ पत्थर को क्या बोलते हैं? ओ धौलपुर है, ललितपुर है। और कुछ है बताने को, इन्फॉर्मेशन? टाइलोम गैलरी, टाइलोम गैलरी, वो आपका लचित गैलरी, वो लचित गैलरी, वो गैलरी टाइलोम और लचित। हाँ जी, और ये तो बीच में आपका एयरपोर्ट ही है आने जाने के लिए, इसमें जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। हम लोग का एक्चुअली काम एक तो मैंने टाइम रहेगा ना, हम लोग का काम खत्म करने वाला है 2025 जुलाई। ओ अभी भी हमारा साल, हमारे पास एक साल सात महीना टाइम है। पूरा प्रोजेक्ट का टाइम कितना था? तीन साल का, तीन साल का था। अभी एक साल भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी हमारा पास दो साल है। हाँ जी, पूरा पूरा 100% कम्प्लीट है। हाँ जी, लेकिन सीएम साहब बोला खाली ये रोड से आप लोग इतना दे दो, यहाँ से मतलब इतना दे दो, फिर ये गैलरी वैलरी बन रहा है। आप लोग उस तरफ बना दे जाओ, उस तरफ बना दे, कोई टेंशन नहीं। और ये इसका स्टेयरकेस वेयरकेस भी बना के दे दो। तो ये ड्राइंग किसने करके दे रहा है, पूरा स्टैचू का ड्राइंग? ये है डिजाइन एसोसिएट बोल के, डिजाइन एसोसिएट। वो आसाम का ही है या बाहर का? नहीं, ये दिल्ली का ही है। ये दिल्ली का पार्किंग एरिया? नहीं, ये जो रोड है ना, हाँ, रोड ऐसे घूमेगा। ओ घूम के सीधा जाएगा। ओ उस तरफ ऐसे ऐसे पार्किंग। ओ कितना पार्किंग हो सकता है यहाँ पर? पाँच। कितना गाड़ी? 600 गाड़ी एक साथ में जाएगा। इधर में रेस्टोरेंट, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट भी होगा? अभी तो परमिशन नहीं दिया है। आयटाइक को इनॉग्रेट किया था ये वाला, यहाँ से स्ट्रेट है, देखिए जूता। हाँ लग गया, पैर लग गया, आपको कमर तक लग गया। हाँ जी, ये तो पूरा एकदम स्ट्रेट करके बना है। हाँ, इसी का एकदम स्ट्रेट, इसका 0-0 टॉलरेंस में वो है स्टेट। ये सब पूरा अच्छे से आप लोगों ने मेजर वेजर करके, पूरा पॉइंट चेक करके सब कुछ करके, जियोग्राफर्स भी यूज किए, भूकंप भूकंप आने से गिरेगा नहीं, साइलेंट होगा, क्यों गिरेगा? इतना मेहनत से बनाया है, हम इंजीनियर कैसे किस लिए? तो थैंक यू सो मच सर आपसे मिलके। तो ये है लचित बरफुकन जी का मोइडाम, एंड इसके पूरे स्ट्रेट एंगल में लचित बरफुकन जी का स्टैचू है, और ये था लचित बरफुकन जी का पूरे स्टैचू का ओवरव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा। सो सुमन सर के कॉलिग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमें चाय कॉफ़ी के लिए भी ऑफ़र किया। सो हम लोग जब यहाँ पर बात कर रहे थे तब
उन्होंने बताया कि जो आईआईटी गुवाहाटी है वो भी इन्होंने ही बनाया है, उन्हें पूरा आईआईटी गुवाहाटी का मैप याद है। एंड आने वाले जितने भी बड़े बड़े डोटिन प्रोजेक्ट्स है असम की, वो भी यही लोग बना रहे हैं। सो बात करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो बहुत अच्छा लगा। सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, थैंक यू सो मच। याद हो रहा है, हाँ जी हाँ जी, इसमें हम लोग का एक कंपनी है, इस कंपनी में मैं 6-7 महीने आया। पहले हम सिम्प्लेक्स में था, सिम्प्लेक्स के उन्होंने काम करे गोल्ड दिल्ली में ब्रिज। आप ओरिजिनली कहाँ से? हम बंगाल के, बंगाल खड़गपुर। ओ खड़गपुर, वहाँ से? वहाँ भी आई आई टी, यहाँ भी आई आई टी। आपका आई आई टी गुवाहाटी का बहुत बड़ा, 2200 स्टूडेंट के पास। हाँ हम बीच में गई थी कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा, उसके जो व्यू पॉइंट है, हाँ जी, ऊपर जो पहाड़ पर वो अच्छा है। वहाँ से तो पूरा आई आई टी जैसे इंद्रपुरी है ना, रात को हाँ जी, मतलब 3-4 तो ऐसे कौन ही है, कौन ही है सब अरेंजमेंट किया हुआ, वही हमने वापस ऊपर पहाड़ तो जो पत्थर लगाए ना बहुत साइड में झोलपुर, वो भी यही लगा झोलपुर, उसको झोलपुर बोलते हैं, झोलपुर झोलपुर कहते हैं। मतलब विकास आहूवालिया सर इनडायरेक्टली रिलेटेड है इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ। आपको कैसा लगा देख के? मतलब सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते ना जो खुला खुली के सब चीज़ बता देते हैं। उन्होंने इतना अच्छी तरीके से बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और दादा अपना को थैंक यू, इमान दूर लो अपनी।